गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम, किया गया क्योंकि उसके सर पर इल्जाम था मनमोहन नाम के एक ट्रेडर की हत्या करने का। ये केस करीब 6 महीनों तक चला, जिसके बाद राहुल को दोषी पाया गया और उसे 10 सालों की बड़ी सजा सुनाई गई। लेकिन क्योंकि उसके काफी सारे स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस थे, इसीलिए वो कई बार पैरोल पर बाहर छूट जाता था। और हालांकि उसकी सजा कंटिन्यू ही चल रही थी, लेकिन फिर भी वो आधा समय जेल के बाहर ही काटता था। जिस दिन उसका कोर्ट में पहला ट्रायल था, उसी समय कचहरी में पायल नाम की एक ऑफिसर भी बैठी हुई थी। पायल पास ही के पुलिस थाने में एक इंस्पेक्टर का काम करती थी और जैसे ही उसने राहुल को देखा, वो तो राहुल की अदाओं पर फिदा ही हो गई। जब राहुल का ट्रायल खत्म हुआ और वो कोर्ट से बाहर निकला, तब पायल ने पर्सनली जाकर राहुल से बात की और उसे परस्यू किया। हालांकि पायल ने सबसे पहले राहुल को परस्यू किया था, लेकिन राहुल भी धीरे धीरे पायल के प्यार में पड़ गया और पूरे 6 महीने के कोर्स में उन दोनों ने काफी सारा समय साथ बिताया। जब 6 महीने के केस के बाद राहुल को सजा सुना दी गई, तब पायल के तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन फिर भी राहुल ने उससे वादा किया था कि वो जेल से बाहर आकर उससे शादी जरूर करेगा और वो दोनों साथ में अपनी पूरी जिंदगी बिताएंगे। करीब 1 साल जेल में बिताने के बाद जब सितंबर के महीने में वो पैरोल पर बाहर आया, तब उसने पायल से मिलकर एक मंदिर में शादी कर ली और वो दोनों वहां से भाग गए। राहुल और पायल आज कहां हैं, इस बात की किसी को खबर नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि राहुल को तो सजा होने ही वाली है, पर पायल को भी कॉप होते हुए एक ऐसे इंसान का साथ देने के लिए काफी बड़ी सजा सुनाई जाएगी। दोस्तों बता दें कि जल्द ही रिलीज होने वाली मूवी खलनायक पार्ट 2 में कोई ऐसी ही कहानी दिखाई जा सकती है। ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एरिया की है और पिछली बार भी खलनायक मूवी में कुछ ऐसी ही कहानी दिखाई गई थी, जब एक गैंगस्टर को माधुरी दीक्षित से प्यार हो जाता है और माधुरी बाद में डिस्कवर करती है कि वो भी गैंगस्टर के लिए फीलिंग रखती है। बता दें कि इस बार इस कहानी का मॉडिफाइड वर्जन, वो भी एक रियल लाइफ स्टोरी के रूप में, ऑडियंस के सामने प्रेजेंट किया जा सकता है। आपको आज की ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।